हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश का, उसे देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई कि आदिवासी परिवारों की विषम परिस्थिति में रुपये के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये तक बैंक ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षित कोटा, पहले 14% था, उसे बढ़ाकर अब 27% कर दिया। ठीक है। सितंबर 2019 में स्वच्छ भारत मिशन में महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, याद रखना उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, को जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा फेज 2 में पहला रनर अप स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया गया। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रीवा जिले को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। हाल ही में ग्वालियर गैलोरी हाई स्कूल ने 9वां दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार फिल्म जुनून जिद से जीत तक के लिए मिला है। ठीक है, याद रखिए, ग्वालियर गैलोरी हाई स्कूल ने 9वां दादा भाई फाल्के पुरस्कार जीता है। ललित कला अकादमी 60वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का पुरस्कार वितरण समारोह 25 मार्च 2019 को मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें 15 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें भोपाल से हेमंत राव को चुना गया। ठीक है, याद रखिए, हेमंत राव भोपाल से। अब बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की जो आया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश के सबसे स्वच्छ और साफ शहरों के नाम का ऐलान किया। ये 9 मार्च 2019 को राष्ट्रपति भवन में किया गया। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर इंदौर को के नाम रहा और भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी वर्ग में पहले स्थान पर रखी गई। वही सर्वे में छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन को पहले स्थान पर रखा गया। ठीक है, याद रखिए, शहरों को 7 वर्गों में विभाजित किया गया पुरस्कार। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, सबसे स्वच्छ बड़ा शहर अहमदाबाद 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला, सबसे स्वच्छ मध्यम आबादी वाला शहर उज्जैन 3 से 10 लाख की आबादी, सबसे छोटा शहर NDM दिल्ली 3 लाख से कम आबादी है। ठीक है। सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट तो दिल्ली कैंट को, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन गोचर उत्तराखंड को है। ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं, जीतू पटवारी को मिला फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री का अवार्ड। नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी को नई दिल्ली में फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पटवारी को युवाओं में लोकप्रिय होने तथा शराबबंदी, तालाब संरक्षण और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रहने के कारण सर्वश्रेष्ठ मंत्री का अवार्ड प्रदान किया गया। याद रखिए, जीतू पटवारी है। ठीक है। आगे बात करते हैं, श्री दादाजी दरबार को मिला श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल अवार्ड। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा श्री दादाजी धूने वाले दरबार को इस बार श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल का अवार्ड दिया गया। देश भर के लाखों लोगों की आस्था का यह केंद्र अब तक मध्य प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में शामिल हो गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है को एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया। फरवरी 2019 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नई दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। शिवराज सिंह चौहान यह सम्मान उनके कार्यकाल में किए गए विभिन्न कार्यों के लिए दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं पर्यटन में मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ राष्ट्रीय सम्मान। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश को 10 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों से नवाजा गया है सम्मानित। ओरछा को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर व सांची को दिव्यांगजनों के मददगार पर्यटन स्थल की कैटेगरी में पहला स्थान मिला। यह पुरस्कार दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रदान किए। फिर है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018 मंजूर एहतेशाम को देने की घोषणा की गई है। इस सम्मान को 1987-88 में स्थापना की गई थी, प्रारंभ किया गया था। याद रखिए राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2018 का मिला है मंजू एहतेशाम को और ये शुरू हुआ था 1988-87 से। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड दिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड संयुक्त रूप से गोवा और मध्य प्रदेश को दिया गया है, ठीक है, याद रखिए। विदुषी कालापनी कोमकली को श्रीनिवास सम्मान 2019 दिया गया। अप्रैल 2019 में शास्त्रीय गायिका विदुषी कालापनी कोमकली को श्रीनिवास जोशी सम्मान से विभूषित किया गया। फिर स्वच्छ शक्ति अवार्ड 12 फरवरी 2019 को हरदा जिले के धनवाड़ा गांव की महिला सरपंच लक्ष्मीबाई जाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ शक्ति अवार्ड प्रदान किया है। याद रखिए स्वच्छ शक्ति अवार्ड किसे मिला है, लक्ष्मीबाई जाट को, ठीक है, ये हरदा जिले की हैं, ठीक है। फिर है मालवा उत्सव 2019। लोक कलाओं एवं संस्कृति पर आधारित मालवा उत्सव 2 मई से 8 मई 2019 के बीच लालबाग में आयोजित किया गया। इसमें 21 राज्यों के 400 से अधिक कलाकारों 450 शिल्पियों ने भाग लिया, तो वहीं स्थानीय कलाकारों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। 18 वर्षों से इंदौर में मालवा उत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें मालवा की संस्कृति के साथ में देश के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के कलाकारों का संगम होता है। फिर भोपाल में संपन्न हुआ हाथी महोत्सव। हाल ही में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हाथी महोत्सव संपन्न हुआ। महोत्सव में सबसे बुजुर्ग हाथी गौतम भी मौजूद था, जो वर्ष 1977 से बांधवगढ़ में अपने दूसरे साथी हाथियों को ट्रेनिंग दे रहा है। इसके अलावा 45 वर्षीय सबसे बुजुर्ग मदा हाथी अनारकली भी महोत्सव का हिस्सा रही, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय रिजर्व में हुआ है। याद रखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव हुआ। फिर है शहीद भवन बुंदेली समारोह। अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद के तत्वाधान में बुंदेली भाषा का राष्ट्रीय अधिवेशन बुंदेली समारोह 2019 विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 25 जून 2019 को सुबह 10 बजे शहीद भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर बुंदेलखंड के सौर का प्रदर्शन करने के लिए आधा उदल के चित महोबा बांदा के नृत्य दल, वीर रस के नृत्य और बुंदेली सिंगार नृत्य का प्रदर्शन राम सहाय पूनम सिंह ने के दल ने किया। समारोह में बुंदेली राष्ट्रकवि सम्मेलन और बुंदेली विमर्श अमृत महोत्सव बुंदेलखंड में विद्यमान जात पात विषय पर संगोष्ठियां भी संपन्न हुई, ठीक। अब बात करते हैं चुनाव हुआ 2018 में मध्य प्रदेश का विधानसभा। तो आपको पता होगा बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, ये मायावती जी की है। भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली हैं, बीजेपी को। कांग्रेस को 114 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली हुई है, ये अखिलेश यादव की है। निर्दलीय है 4, ठीक है, वो टोटल 30 हैं, 230। बात करते हैं दीपक सक्सेना बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। छिंदवाड़ा के विधायक कांग्रेस दीपक
सक्सेना को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की पद शपथ दिलाई थी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह, उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री मौजूद थे। समारोह का संचालन विधानसभा के प्रमुख सचिव ने किया। दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा सीट से चौथी बार विधायक बने हैं। याद रखिए, उस समय जब सरकार का गठन हुआ तब राज्यपाल आनंदी बेन पटेल थी। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को देख लेते हैं। श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं, इन्हें कौन कौन से विभाग आवंटित हुए? औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, अप्रवासी भारतीय। अन्य विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए वो भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के अंडर में है। फिर है विजय लक्ष्मी शादी, ये इन्हें मिला है संस्कृति विभाग, और चिकित्सा शिक्षा आयुध और आयुष विभाग। ठीक है, याद रखिए। फिर है सज्जन सिंह वर्मा को मिला है लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग। फिर है हुकुम सिंह कराड़ा, इन्हें जल संसाधन विभाग मिला है। गोविंद सिंह को सामान्य प्रशासन सहकारिता संसदीय कार्य विभाग मिला है। बाला बच्चन गृह विभाग मिला है, जेल विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग एवं रोजगार सेवा संबंध इन्हें विभिन्न विभाग मिला। श्री आरिफ अकील भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मिला हुआ। फिर है बिजेंद्र सिंह राठौर, इन्हें वाणिज्य विभाग मिला है। प्रदीप अमृतलाल, इन्हें खनिज संसाधन विभाग मिला है। श्री लाखन सिंह यादव पशुपालन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मिला है। श्री तुलसीराम सिलावट, इन्हें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मिला है। श्री गोविंद सिंह राजपूत, इन्हें राजस्व परिवहन विभाग मिला है। श्रीमती इमरती देवी, महिला एवं बाल विकास मिला विभाग मिला। फिर है ओमकार सिंह मरकाम, जनजातीय कार्य, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग मिला है। फिर है डॉक्टर प्रभु राम चौधरी, इन्हें स्कूल शिक्षा विभाग मिला है। श्री पियवत सिंह, इन्हें ऊर्जा विभाग मिला है। श्री सुखदेव पांसे, इन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मिला हुआ है। फिर श्री उमंग सिंघार, इन्हें वन विभाग मिला है। एडवोकेट हर्ष यादव, इन्हें कुटीर ग्रामोद्योग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मिला है। श्री जयवर्धन सिंह, इन्हें नगरीय विकास एवं आवास विकास मिला है। जीतू पटवारी, याद रखना जीतू पटवारी, खेल युवा कल्याण और उच्च शिक्षा विभाग। श्री कमलेश्वर पटेल, इन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मिला है। श्री लखन घनघोरिया सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण अनुसूचित जातियां कल्याण विभाग मिला है। महेंद्र सिंह सिसोदिया, ठीक है, इन्हें श्रम विभाग मिला है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को, संजू सर भैया को श्रम विभाग मिला है। ठीक है, याद रखना। 25वां श्री पीसी शर्मा, इन्हें विधि विधायी कार्य, जनसंपर्क, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग मुख्यमंत्री से संबद्ध। ठीक है, फिर हैं 26 विद्युमन सिंह तोमर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिला है। श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मिला है। सुरेंद्र सिंह बघेल, इन्हें नर्मदा घाटी विकास पर्यटन विभाग मिला है। फिर हैं श्री तरुण भनोत, इन्हें वित्त योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग मिला है। ठीक है, अब योजनाएं देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ। इंदिरा गृह ज्योति योजना, मध्य प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना 1 अप्रैल 2019 को आधिकारिक रूप से लागू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इंदिरा गृह ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग, विशेष रूप से गरीब परिवारों को बिजली सस्ते दामों पर मुहैया कराना, ताकि बिजली के बिल का अतिरिक्त भार उन पर ना पड़े। इसका लाभ क्या होगा? इस योजना की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि योजना के अंतर्गत 100 यूनिट की बिजली उपयोग करने पर उपभोक्ता को सिर्फ 100 रुपये बिजली का बिल देना होगा। फिर है पौधा आपके द्वार, जून 2019 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के वन विभाग ने योजना पौधा आपके द्वार योजना शुरू की है। योजना के तहत वन विभाग में मांग पत्र देने पर आपको मात्र 10 रुपये
पौधे के हिसाब से वन विभाग और पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी गरीब युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरुआत की है, ठीक है। फिर है मुख्यमंत्री मदद योजना। मध्य प्रदेश के सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत जनजातीय परिवारों में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाएगी। यह तब है कि जनजातीय परिवार में लड़के अथवा लड़कियां के जन्म पर परिवार को 50 किलो गेहूँ चावल दिए जाएंगे। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु पर सरकार द्वारा 100 किलोग्राम गेहूँ अथवा चावल तथा पकाने के लिए बर्तन भी प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री मदद योजना। लाड़ो अभियान। मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिसके द्वारा बाल विवाह के रोकथाम हेतु 2013 में लाड़ो अभियान प्रारंभ किया। लाड़ो अभियान का मुख्य उद्देश्य जम समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ विवाह जैसी कुरीतियों को सामूहिक सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना है। फिर मध्य प्रदेश कृषिगत नवीनतम तथ्य देख लेते हैं। गेहूं की पैदावार में मध्य प्रदेश का देश में भर में चौथा स्थान है। पहले 3 स्थान पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है। फिर ज्वार में उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान रहा है। पहले 2 स्थान है महाराष्ट्र और कर्नाटक। दाल में बात करें तो दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश भर में पहला स्थान रहा है। द्वितीय और तृतीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कुल अनाज उत्पादन की बात करें तो कुल अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश 2रा स्थान रहा है। पहले 2 स्थान पर है उत्तर प्रदेश और पंजाब। सोयाबीन में भारत में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है जबकि महाराष्ट्र 2रे और राजस्थान 3रे। इसीलिए तो सोयाबीन प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। तिलहन। भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है जबकि 2रे नंबर पर गुजरात और 3रे नंबर पर है राजस्थान, ठीक है। भोपाल में स्थापित होगा भारत का पहला ई कचरा क्लीनिक। भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल में देश का पहला ई कचरा क्लीनिक स्थापित करने के लिए समझौता किया है। यह क्लीनिक घरेलू और वाणिज्य दोनों इकाइयों से कचरे के पृथककरण, प्रसंस्करण और निपटान में सक्षम होगा। खजुराहो रेलवे स्टेशन को मिला प्रमाण पत्र। सितंबर 2019 में इंटरनेशनल एक्यूरेट सर्टिफिकेशन संस्था द्वारा झांसी मंडल के खजुराहो स्टेशन को ISO 14001:15/2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र 20 सितंबर 2019 को दिया जाएगा। चलिए तो ये था कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हमारा, ठीक, जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है।